Oh, I need a sign, I need a reason why I'm alive. Cause I can figure out why everything around me just feels so far away. I'm going round in circles, looking through my head now. Oh, I need someone right now. हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब एकदम बढ़िया और एकदम अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और बस एज यू कैन सी, मैंने बाल ऑलमोस्ट बांध ही लिए हैं। थोड़ी देर में मुझे बन बनाना है एंड देन विल गेट रेडी फॉर माय फ्लाइट। सो टुडे आई एम गोइंग टू बैंगलोर एंड इट्स अ टर्न अराउंड फ्लाइट, सो ज़्यादा कुछ नहीं है। जाएंगे एंड सुबह तक वापस भी आ जाएंगे। सो आई एम गोना टेक माई मेकअप किट, माई इन फ्लाइट पिक्चर्स, सनस्क्रीन। Such a nice day today. Just look outside. The weather is so nice. ओके गाइस, सो क्योंकि मैं रेडी हो ही रही थी, मैंने सोचा इसी रेडी होते होते ही आप लोगों से बातचीत भी कर लिया जाए। सो आप में से काफी लोगों ने मेरा थंबनेल देखा होगा, दैट उर्फी जावेद, शी वॉज ऑन माई फ्लाइट। या काफ़ी लोग ये भी सोच रहे होंगे कोई इतनी भी बड़ी एक्ट्रेस नहीं है एंड कुछ बहुत लोग, क्योंकि बहुत लोग उसे नहीं पसंद करते हैं एंड यू ऑल नो द रीज़न। बट द थिंग इज़ दैट हर चीज़ को, मतलब हर चीज़ के एक ना पॉजिटिव साइड भी आपको देखना चाहिए एंड मैं हमेशा उसका एक पॉजिटिव साइड देखती हूँ। आई लाइक हर कॉन्फिडेंस, लाइक वो कुछ भी पहन के कितने कॉन्फिडेंटली बाहर निकल जाती है एंड आई लाइक दैट बिकॉज आई वॉन्ट दैट कॉन्फिडेंट इन माई लाइफ। बिकॉज हम लोगों क्या होता है ना, थोड़ा सा कोई कुछ बोल देता है तो हम लोग एकदम से ऐसे हो जाते हैं, यार देखो मेरे को ऐसे बोला ऐसे बोला। बट इतना कुछ सुनने के बाद भी व्हाटएवर शी वेयर, शी इज सो कॉन्फिडेंस एंड बाय द वे शी इज सो ब्यूटीफुल इन रियल। मैंने सामने से देखा, हर स्किन वाज सो ग्लोई एंड फ्री फ्रॉम ऑल द एक्नेस एंड आई लाइक दैट। एंड शी लिटरली कॉम्प्लीमेंटेड मी फॉर माई लिपस्टिक। शी वॉज लाइक, मुस्कान, आई लाइक योर लिपस्टिक, इट लुक सो ब्यूटीफुल एंड योर आईज, यू आर सो ब्यूटीफुल एंड ऑल दिस थिंग। आई वॉज लाइक सेम फ्रॉम मी, लाइक सेम फ्रॉम माई साइड। आई जस्ट टोल्ड हर, यू आर सो ब्यूटीफुल इन रियल बिकॉज on camera people look different but in person it's different. So she was like yeah, and then we ended up our conversation but she was really sweet and aaj ke time pe koi bhi aapse itna der baat nahi karta hai. People are like thoda sa bhi agar wo log famous hote hain Instagram ya kahin pe bhi, unke andar ek attitude aa jata hai and we have seen that, like aap mein se bhi kaafi logon ne ye cheez dekhi hogi. But apart from all the things about, apart from her dressing sense and everything, I like her confidence and I like her way how she treat people, how she talk with strangers and with other people. That's the thing which I like about her. And even घर पे आने के बाद मैंने मम्मी को भी बोला कि मम्मी आज मैं फ्लाइट पे उर्फी जा रहे थे, and the thing which I like about my mom, she was like मम्मी को इतना नहीं पता रहता, my mom is calling me right now, mom की लंबी उम्र। हाँ, so मैं मम्मी के यही बता रही थी एंड माई मॉम वॉज लाइक उर्फी जावेद, मैंने अभी कुछ दिन पहले ही यूट्यूब पे देखा था कि कुछ भी पहनती है कॉन्फिडेंटली पहन के निकलती है। तो मेरी मॉम ने एक अच्छा पॉइंट उसके लिए बोला एंड आई एम सो हैप्पी कि मेरी मॉम बाकी लोगों की तरह नहीं है जो किसी के ड्रेस पे या किसी के कुछ पहनने पे उनको जज करे या कुछ गलत वर्ड्स बोले। दैट्स द थिंग विच आई लाइक अबाउट माई मॉम ऑल्सो। सो या I don't have a picture to share because Emirates mein it's not allowed. First of all, aap click karte ho theek hai, but it's not allowed to click and it's not allowed to post because Dubai ka ek rule hai ki aap kisi ki bina permission se uski photos ko upload nahi kar sakte ho. So maine koi pic nahi click kiya. I was like it's nice talking to her, but I wanted to share this because people troll her, but we should always consider the good side of it. Guys, I'm so sorry, maine itni lambi story sunayi, aage itna bada sa sunaya na, acha nahi, इतना चपड़ चपड़ करती गई। बट अभी मैं फटाफट से रेडी हो लेती हूँ बिकॉज मैं ना ऐसे लेट हो जाऊंगी लंच वरना।
Hey guys, so I got ready and बस अब सब बैग वैग लेके नीचे चलते हैं. मैं लग गई थी मम्मी से बात करने बिकॉज मैंने बोला ही था कि मेरी मम्मी की कॉल आ रही है. सो उसके बाद मैंने कॉल किया, वो कह रही थी सुबह से मुझे कॉल नहीं किया तो मैंने बस हमारी बहुत लंबी बात चल रही थी. ऑब्वियसली माँ बेटी की बात तो लंबी अच्छी खासी ही चलती है. बस अभी चलते हैं नीचे, बस भी आने वाली है थोड़ी देर में और फिर लंबा दिन है, सुबह तक वापस आएंगे और ट्राई करूँगी बीच में आप लोगों को से मिलती जुलती फिर चलती रहूँ. पता नहीं क्या ही बोले जा रही हूँ. और बस ये आज मेरा मेकअप करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था और लिपस्टिक कुछ ज़्यादा ही रेड हो गई है. एज यू कैन सी कुछ ज़्यादा ही रेड लिपस्टिक हो गई है. मेरे को इतना भी नहीं पसंद है बट मास्क नहीं पहनना है मुझे, इसीलिए मैंने लगा लिया लिपस्टिक. सो चपड़ चपड़ कम करते हैं, चलते हैं. हर बार ना मैं मतलब अभी मैं फिर से जाने से पहले एक बार अपने आप को शीशे में देख रही थी, मुझे लग रहा है मेरी लिपस्टिक कुछ ज़्यादा ही डार्क हो गई है या मतलब पता नहीं क्या. बट देन मैंने रियलाइज़ किया मुस्कान सिंह तुम्हारी लिपस्टिक को कल उल्फी जावेद ने कॉम्प्लीमेंट किया है कि योर लिपस्टिक इज़ अमेजिंग एंड बार बार कॉम्प्लीमेंट किया है, तो कुछ तो बात होगी इस लिपस्टिक में जो उसे ये लिपस्टिक पसंद आई. सो आई एम लुकिंग गुड एंड आप लोग भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करो मुस्कान यू आर लुकिंग गुड, योर लिपस्टिक इज़ लुकिंग गुड. मजाक कर रही हूँ, जस्ट कैडिंग. ज़रूरी नहीं है कि कमेंट करो ऐसा, कोई ज़बरदस्ती नहीं है. अगर अच्छी लगी तो कर देना ताकि मुझे अच्छा लगे. तो जी चले एंड फटाफट फ्लाइट खत्म करके घर पे आते हैं. चलो. अरे तू जा रही. मैं घर से जब भी निकलती हूँ फ्लाइट के लिए मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि मेरा कुछ ना कुछ छूट गया. अभी भी मेरे पास सब कुछ है बट मुझे ऐसा लग रहा है मेरा कुछ छूट गया है, कुछ छूट गया है. मैं सब लेके जा रही हूँ. ये रेड लिप से कैसी लग रही है. हे गाइस, सो आ गई हूँ मैं अपने बैंगलोर की फ़्लाइट से और बहुत ही अच्छा लगा. मैंने ना आज एक चीज़ नोटिस की, जब हम बैंगलोर में लैंड हुए एंड जैसे ही डोर्स ओपन हुए ना, एक जो खुशबू आई ना उसी से पता चल गया कि मैं इंडिया में हूँ. लिटरली पूरे फ्लाइट में वो एक खुशबू सी, पता नहीं, एक तो बारिश हो रही थी और बहुत ही अच्छा मौसम हो रखा था बैंगलोर का. चाहे मैं दिल्ली से ही क्यों ना हूँ बट एक इंडिया में भी हम आ जाते हैं ना तो अपने देश की बात अलग ही होती है एंड बहुत ही अच्छा लगता है. एंड अभी काफ़ी लोग ये सोचेंगे कि अगर अपने देश में ही रहना है बहन तो तुम दुबई में कर क्या रही हो. सो ऑब्वियसली इंसान को काम करने के लिए अपने घर से दूर ही जाना पड़ता है. कई लक्की लोग होते हैं जिनको उनके घर के पास आस पास ही काम मिल जाता है बट कई लोगों को घर से दूर जाना पड़ता है. एंड ऑल्सो जब आप अपने कंट्री से बहुत ज़्यादा देर दूर रहते हो एंड देन आप अपने कंट्री में जाते हो तब आपको वो एक फ़ील आती है. जब आप वहाँ रहते हो शायद से आपको रोज़ वो चीज़ नहीं फील होती है बट आप कई दिनों बाद जब अपनी कंट्री को देखते हो ना तो आपको एक फ़ील आती है कि हाँ यार ये हमारा देश है. सो मुझे बहुत अच्छा लगा आज और काफ़ी इंजॉय किया मैंने फ़्लाइट पे. मतलब काफ़ी सॉर्टेड फ्लाइट थी, सारे पैसेंजर्स सोते ही रह गए, मतलब ज़्यादा कुछ इतना ये नहीं हुआ. बस अब मैं घर आ चुकी हूँ और अभी फ्रेश हो जाऊँगी फटाफट, उसके बाद देखते हैं क्या करना है. वेल, मैं आज सोच रही हूँ कि मैं आज अपनी मासी के यहाँ जाऊँ एंड निकलूँगी दोपहर तक, कब तक पता नहीं बट फ्रेश होने के बाद निकलूँगी. यही हूँ कि जब तक फ्रेश होंगे तब तक, मतलब मैं फ्रेश होती हूँ तब तक ये सारे कपड़े भी मैं धुलने के लिए डाल दूँगी इसके अंदर ही. तब तक कपड़े भी मेरे धुलते रहेंगे. सॉरी कि सॉरी ओके. तो यहाँ पे अंकिता दी मेरे लिए खाना लेके गई थी. अभी कल रात को हम लोग आए थे कहीं से तो वो मेरे लिए खाना लेके आई थी सो दैट मुझे कुक ना करना पड़े. तो आधा खाना तो मैंने खा लिया था बट बहुत ज़्यादा था सो मैंने सोचा था फ्लाइट से आने के बाद खाऊंगी. सो दाल मैंने गरम की थी, फिर मेरे पास कुछ था नहीं रखने को तो मैंने इसी मग में रख दिया. सो दाल था एंड राइस था एंड
उनके हाथ का खाना बहुत ही यमी होता है, एकदम मम्मी की याद दिला देते हैं। सो मैं अभी यही खाऊंगी, थोड़ी देर रेस्ट कर लूँ खा के, एंड मैं फिर वॉश करके उनके रूम में ही रख के आऊंगी इसे। सो नहा धो के तो मैं फ्रेश हो चुकी हूँ, एंड बस अभी मैं खाने जा रही थी। वेर इज माई दाल चावल? ये रहा मेरा दाल चावल, यहाँ पे रखा हुआ है। वो दाल चावल है और ये वाला चार लेके बैठी हूँ मैं साथ में। मैं सोचूँ कुछ खा लूँ एंड देन फिर थोड़ी देर सो जाऊंगी, बिकॉज पूरी रात में जगी हुई थी। सो अंकित दीदी मेरे लिए खाना बना के लाई, एंड शी इज सो स्वीट, हमेशा कुछ भी होता है फटाफट मेरे लिए खाना बना देती है, एंड उनकी वजह से मैं खाना नहीं बनाती हूँ क्योंकि वो इतना टेस्टी खाना बनाती है, क्या करें। बट शी इज़ नॉट लाइक, शी इज़ माई एल्डर सिस्टर, एंड हर छोटी छोटी चीज़ का मेरा ध्यान रखते हैं। देट आई एम सो लकी दैट आई हैव यू नो अंकिता दी इन माई लाइफ, सो आई जस्ट वांट टू डू टच वुड। ठीक है, हाँ टच वुड, वुड तो कुछ दिख नहीं रहा है, चाहे यहाँ पर है वुड वुड। ओके सो टच वुड, आई बिलीव इन ऑल दिस थिंग्स। सो या जब तक मैं खा रही हूँ, आप लोग भी कुछ खा लो पी लो, एंड देन देखते हैं क्या करना है आगे। अभी जा रही हूँ अंकिता दी के रूम पे, तो वो यहाँ पे नहीं है, बट मैं मेरे पास उनके रूम की कीज थी, एंड ये लंच भी मैं वहीं पर रख दूँगी साथ के साथ, मैंने साथ में ही धो दिए थे, मैं सोचा खा के फिर ऊपर रख दूँगी, एंड वहाँ से मुझे एक सामान भी लेना है, तो चलो फटाफट चलते हैं। बस पहुँच ही गई हूँ मैं। वैसे जो सामान लेना था वो था ये हैंगर, ये यहाँ ऊपर रखा हुआ था, तो मैं अभी इसको ले कर जा रही हूँ नीचे, क्योंकि मैंने कपड़े धोए तो मुझे फैलाने के लिए चाहिए था। So heavy. मैंने रियलाइज ही नहीं किया मैं क्या पहनकर ऊपर आ गई, और वो भी दोनों अलग अलग सी। So I'm back to my room, and now I think I should end this vlog here. And yeah, I hope you guys have liked this vlog. If yes, then do like and share this. If you are new to my channel, if you like my vlog, then do subscribe. And if not, then it's fine, it's okay. So yeah, now I'll see you guys in my next vlog. Till then, bye and take care. Bye-bye.